वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले कितने टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं इस HTML कोर्स के अंदर। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं HTML कोर्स के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं, मैंने इसके सारे ही वीडियोस बना करके आप लोगों को दिया हुआ है, और आई होप आप लोगों ने ये सब चीज़ें लर्न की होंगी और आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो मैंने लेआउट, आपका जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको लेआउट के बारे में नहीं बताया हुआ था और रिस्पॉन्सिव के बारे में नहीं बताया हुआ था। लास्ट वीडियो जो था मेरा वो था हेड। ओके फ्रेंड्स, ये जो लेआउट होता है इसको आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो मेरा डॉक्यूमेंट का लेआउट होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक प्रोजेक्ट के साथ में। लास्ट में इस प्रोजेक्ट के लास्ट में मैं आपको इस कोर्स के लास्ट में आपको मैं एक HTML बेस्ड एक वेबसाइट बना करके दिखाऊंगा जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। आपको उससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तो उस पे लेआउट मैं बताऊंगा क्या होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है रिस्पॉन्सिव। फ्रेंड्स, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक आप इसको नहीं बोल सकते, बट एक ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपके आप कुछ मीडिया कुछ क्वेरीज़ होती हैं, मीडिया क्वेरीज़ जिनको हम बोलते हैं, उनकी हेल्प से आप एक पेज को, आप एक वेब डॉक्यूमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक जब मैं आपको एक लास्ट में एक वेबसाइट बनाऊंगा उसके साथ में आपको चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। ओके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में वो होता है हमारा कंप्यूटर कोड। ओके, तो कंप्यूटर कोड क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे HTML के अंदर, उनको कंप्यूटर कोड कहा जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास चार एलिमेंट्स होते हैं, एक हमारा होता है KBD, दूसरा होता है सैम, उसके बाद आता है कोड, उसके बाद आता है वेयर। ओके, तो ये जो चार एलिमेंट्स आपके हैं इनको अगर आप कंबाइन कर लें तो आप बोल सकते हैं कि ये चारों ही एलिमेंट्स एक कैटेगरी होती है कंप्यूटर कोड, उसके अंदर आते हैं। ओके, तो मैं आता हूँ एक एक चीज़ें आपको एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है हमारा कंप्यूटर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें KBD क्या होता है। ओके, तो KBD का जो आप KBD होता है वो होता है हमारा कीबोर्ड इनपुट। मतलब जो इनपुट हमें कीबोर्ड से देना होता है, जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जैसे मैं क्या करूँगा कि एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंटेशन है मेरा MS Word के लिए। तो MS Word में क्या होता है कि कोई फाइल अगर मेरे को ओपन करनी होती है तो Ctrl O से ओपन होती है, कोई फाइल सेव करनी होती है तो Ctrl S से होती है। तो ये जो Ctrl O हो गया और Ctrl S हो गया, ये मैं क्या करूँगा एक KBD के अंदर डाल करके रखूँगा। ओके, इसका क्या होता है, ये इसका डिफ इसमें डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो होता है एक आपका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर रहे हैं उससे अलग होगी इसकी फॉन्ट फैमिली, और जनरली जो ब्राउज़र्स होते हैं उसकी अगर आपने KBD टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिया हुआ है तो ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कराता है मोनो स्पेस फॉन्ट में। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं H1 हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ KBD, KBD इसको मैं बोलता हूँ कीबोर्ड इनपुट। ओके, उसके बाद आ जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने एक टैग लिया P, उसके अंदर आप लिख रहे हैं टू सेव ए डॉक्यूमेंट यू शुड यूज़ CTRL कंट्रोल प्लस S। ओके, अब इसको मैं डिस्प्ले कराऊंगा एक ब्राउज़र के ऊपर।
तो ये मैंने इस कंप्यूटर कोड के नाम से ये फाइल सेव करके रखी हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ गूगल क्रोम पे। ओके, तो ये देखिए जो अभी आ रहा है आपका Ctrl+S, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जैसा आपका बाकी फॉन्ट फैमिली अलग पूरे डॉक्यूमेंट्स की जो फॉन्ट फैमिली है एलिमेंट्स की, वही इस पे भी अप्लाई हो रही है। बट आप क्या करेंगे, आप चेंज देखिए, आप क्या करेंगे इसको अगर आप KBD के अंदर डाल देते हैं, एक टैग आप यूज़ करेंगे KBD, ओपनिंग टैग हो गया आपका। उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पे आप लगा दें इसका क्लोजिंग टैग KBD। इसको सेव करिए फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो Ctrl+S है, ये आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये एक कोई कोड है या फिर कुछ कीबोर्ड से जो इनपुट आपसे मांगा जा रहा है वो है। ओके, तो इस तरह से आप KBD का यूज़ ये होता है। उसके बाद आता है हमारा सैम्प, सेकंड है हमारा सैम्प। ओके, तो मैं सैम्प बता देता हूँ क्या होता है। एक मैं HR यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि मैंने सेपरेट किया हुआ है डॉक्यूमेंट इसके ऊपर वाला और नीचे वाला। ओके, सैम्प क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका रिप्रेजेंट आउटपुट फ्रॉम ए प्रोग्राम। मतलब जैसे आपने कुछ एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसके बाद में आपने एक ऐड, एक सम का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि आपसे 2 डिजिट मांगेगा और उसका इक्वल आपको आउटपुट में, रिजल्ट में दे देगा। तो फ्रेंड ये जो होगा आपका आउटपुट, मतलब जो रिज़ल्ट आपका मिलेगा उस प्रोग्राम के थ्रू, वो आपको डिस्प्ले कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सैम। ओके, या फिर क्या होगा कि आपने कोई रिक्वेस्ट की है, एक पेज के अंदर कोई रिक्वेस्ट आपने डाली हुई है, बट वो रिक्वेस्ट प्रोसीड नहीं कर पा रहा है हमारा ब्राउज़र, और उस टाइम पे वो एक एरर मैसेज दे दे रहा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं सैम्प के अंदर। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैं ऊपर वाला यूज़ कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सैम्प यूज़ करता हूँ, सैम्प ओपनिंग टैग, और यहाँ पे हमारा हो गया सैम्प क्लोजिंग टैग। ओके, SAMP। तो आप इसको ब्राउज़र पे ओपन करिए, तो ये देखिए ये आपका एक अलग आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये भी जो होता है वो उसका फॉन्ट फैमिली आपका मोनो स्पेस ही होता है। ये फॉन्ट फैमिली जनरली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादातर ब्राउज़र्स की जो सेटिंग्स होती हैं उसमें सैम्प का जो फॉन्ट फैमिली होता है वो मोनो स्पेस ही होता है, और KBD का फॉन्ट फैमिली भी मोनो स्पेस ही होता है। या फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो कंप्यूटर कोड है, तो इस तरह से फ्रेंड्स जो भी कंप्यूटर कोड के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स आते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग्स में उनका फॉन्ट फैमिली मोनो स्पेस ही सेट होता है। ओके, जैसे ये हो गया, और मैं चाहता हूँ कि एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको कि यू हैव एंटर इनकरेक्ट वैल्यू। ओके, सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसके अंदर मैं इनपुट मांग रहा हूँ 10 से नीचे का, और मैं दे दे रहा हूँ एक इनपुट जो कि है मेरा 10 से ऊपर की वैल्यू है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये एक एरर मैसेज पॉप कर देगा या फिर डिस्प्ले करा देगा। उस एरर मैसेज को मैं क्या करूँगा, एक सैम्प एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले करा दूंगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा सैम्प एलिमेंट। उसके बाद में आ जाइए आप, एक होता है आपका, तीसरा है कोड। ओके, कोड क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, फ्रैगमेंट ऑफ कंप्यूटर कोड, मतलब कुछ कंप्यूटर का कोड है वो मेरे को अगर डिस्प्ले कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कोड के अंदर
लिख करके डिस्प्ले करा दूंगा। जैसे मेरे पास में कुछ यहाँ पे, इसको मैं एक एचआर लिख देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए हमारा। आपने लिखना है ए इक्वल्स टू 5, ओके। उसके बाद में आपने बी की वैल्यू लिखी ए इक्वल्स टू 5, एंड आपका जो बी है वो है 5, ओके। उसके बाद में सी है, या फिर आप रिजल्ट लिख लेंगे, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट ए प्लस बी। अब इसको डिस्प्ले कराइए ब्राउज़र पर, देखिए किस तरह से आएगा। फ्रेंड्स जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसा ही आ जाएगा, इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5, रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, ओके। तो मैं इसको ऐसे नहीं पुट कराना है, डिस्प्ले कराना है ब्राउज़र पर, मेरे को क्या करना है, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है एक कंप्यूटर के कोड, कंप्यूटर का कोड है, और मैं उसी फॉर्मेट में या फिर उसी तरह से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक कोड टैग यूज़ करूँगा और उसके अंदर इसको मैं प्लेस कर दूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर डाला और मैंने इसको ब्राउज़र पे डिस्प्ले करा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा। ये भी क्या किया इसने, एक फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और इसमें होता है, एक टैग आता है हमारा प्री, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये एक लाइन में ही आ जाए, मतलब एक ए इक्वल्स टू 5 के बाद में हमारा लाइन ब्रेक हो जाए, बी के बाद लाइन ब्रेक हो जाए, जिस तरह से हमने लिखा है वैसा ही आ जाए। फ्रेंड्स एक टैग होता है हमारे पास में प्री, पी आर ई, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो प्री टैग आपका क्या करता है, जिस तरह से आपने लिखा हुआ है उसी तरह से आ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका क्या, तो प्री टैग का इम्पोर्टेंस ये होता है, अगर आप यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं तो एक स्पेस के साथ में डिस्प्ले करा देगा। तो ये होता है हमारा प्री टैग, ओके। उसके बाद में क्या आता है हमारा वेर, एक एलिमेंट होता है हमारा वेर, ये क्या डिफाइन करता है, वेरिएबल इट कुड बी ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और प्रोग्रामिंग कंटेक्स्ट, मतलब जो वेरिएबल होता है हमारा वो एक हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या फिर हमारा कुछ एक वेरिएबल, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं एक वेरिएबल भी हो सकता है, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल दे देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए कंटेंट। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल का, वेरिएबल क्या होता है, ओके। तो वेरिएबल आप किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मैं क्या करूँ, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मैथ्स में ए, या फिर मैं कोई भी एक वैल्यू दे दे रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू बी प्लस सी का स्क्वायर देना है मेरे को, मतलब मेरे को क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है, सिंपली एक फॉर्मूला लिखना है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी का स्क्वायर, ओके। या फिर यहाँ पे बी प्लस सी का यहाँ पे स्क्वायर लिखना है आपको। तो स्क्वायर आपका किस तरह से होता है, मैंने बताया था सब सुपर स्क्रिप्ट, एक टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट, जो कि आपको इसके अंदर की वैल्यू को सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में कर देता है, ओके। तो इसको आप डिस्प्ले करेंगे तो ये देखिए आपका सी स्क्वायर में आ गया, बट एक जो इसका आप फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो वैसा नहीं जैसा आपको चाहिए था। आप क्या करेंगे, ई जो है, ये जो आपका ए आ रहा है, इसको आप क्या करिए, एक वेर के अंदर डाल दीजिए, इसको आप एक वेर के अंदर डाल दीजिए क्योंकि आपको ए वेरिएबल में दिखाना है, इसको भी आप वेर के अंदर डाल दीजिए, ओके। और बी को भी आप एक वेर के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में सी जो था आपका, इसको भी आप वेयर के अंदर डाल दीजिए, ये आपका क्लोजिंग टैग होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स ये देखिए आपका कुछ एरर आई है यहाँ पे, मैंने गलत लिखा हुआ है, ये वेयर ऐसे होगा। तो
तो ये देखिए आपका एक फार्मूला आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि फार्मूला मेंशन किया हुआ है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेयर होता है। तो फ्रेंड्स ये चार चीज़ें जो होती हैं इनको अगर आप कंबाइन कर लें तो आप बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मिला करके कंप्यूटर कोड बनती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती ये सारी चीज़ें, बट ये एक लेवल पे इंपॉर्टेंट इस वजह से होती हैं क्योंकि अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होता है या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना होता है जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप यूज़र्स को, तो उन चीज़ों में आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ओके तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और क्योंकि मैं इसमें आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे कोर्सेज अपलोड करने का प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा जो जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर के चल रहा हूँ जो बेसिक से तैयार करते हैं कोई चीज़, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। ओके फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।